आई एम सो एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू मी, सेकेंड ऑफ ऑल नोबडी स्टिल रिमेम्बर्स मेरे यहाँ पे, थर्ड ऑफ ऑल कल हम इतने रात में आए और मैं इतनी थकी थी, बट हमने जो चाय पी थी 2 बजे के या 3 बजे के आसपास, उसके वजह से मुझे नींद 7:30 बजे आई, एंड 7:30 बजे नींद आई उसके बाद फिर मैं उठी 12 बजे और तुरंत नहा ली। कल हम पहुँचे 5:30 बजे, इतनी थकान हो रही है ना मुझे शिरडी से आके। आपने अगर मेरा शिरडी वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखे, आपको सब समझ आएगा मैं अभी जो कह रही हूँ। तो आज तो कोई खास प्लान नहीं है, देखते कैसा जाता है दिन। दीदी ये क्या है, कैसे घूमते हैं लोग। ओ माय गॉड। एक सेकंड, चलो दे। सांस ले रहे थे ना। पगलो, चलो। आप मानोगे नहीं क्या हुआ अभी। किसी को फर्क नहीं पड़ता बर्थडे करके, मजाक कर रही हूँ। हम जा रहे हैं आज एक बहुत अच्छी जगह और मैं रेडी हो रही हूँ, और ये बेसिकली लेंस का कमाल है, आप देख रहे हो। आई नो यू फेल फॉर इट। तो आई एम फाइनली रेडी एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो लोकेशन मैं बताऊंगी नहीं। इट्स अ वेरी स्पेशल लोकेशन, आप वीडियो में रुकेंगे आपको खुद दिख जाएगा लोकेशन। इट्स एन अमेजिंग लोकेशन एंड मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ अभी, जस्ट वेट। सेकेंड बर्थडे आउटफिट। ये वाला जो सेक्शन था हम वहाँ जाने वाले थे, बट अब वो बंद है, सो वील बी ईटिंग योर। यहाँ पे भूखे होने, सो वील बी गोइंग फॉर दैट, एंड इट्स ओके, आई मीन द वाइब इज सो नाइस, सो वील बी एंजॉयिंग योर। पीछे चलो ना, डीजे के पास मत बैठो। बुफे सिस्टम था विच माई फैमिली वॉज नॉट इन टू, एंड प्लस बहुत शोर था, पूल एंड ऑल, हम ऊपर जाना चाह रहे थे और वो बंद था। तो नाउ वी आर गोइंग हियर, दिस लाउंज प्लेस, दिस लुक्स इक्वली अट्रैक्टिव, एंड मैंने ट्राई भी नहीं किया। Red flashing light.
मुंबई दिन बाय दिन बदल रहा है, क्या प्यारा वेदर हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे पूरा दुनिया। हम एक शॉर्टकट ले रहे हैं सीढ़ी से खुफियाने रास्ते से। Now we are going here. So finally we are here. हम आए तो थे यहाँ फुल एक्साइटमेंट से, मगर यहाँ पे लोग हुक्का एंड ऑल पी रहे हैं, हम लोग को नहीं जमता। सो वी आर अगेन चेंजिंग द रेस्टोरेंट, एंड अभी जो हम एंट्रेंस मारे मॉल में उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट था, वी आर गोइंग देयर। दैट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, इट्स बेटर एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो नाइस, बट नॉट अ फैमिली प्लेस। सो कहीं भी खाओ यार, आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कर रहे थे एंड इवेंचुअली ऑफकोर्स आई गेस इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन टू सेलिब्रेट विद द फैमिली एंड दे ऑल स्टार्टेड कंप्लेनिंग एंड ऑल। ऑफकोर्स आई डोंट लाइक जूम, नेवर माइंड, लेट्स एन्जॉय द एम्बियंस। इट्स अ नाइस एम्बियंस। मैंने तो बोला कि इतना ड्रामा करने की जगह घर ही चलते हैं, आई मीन लेट्स गो होम ऑर्डर। मन भी नहीं हो रहा अब सेलिब्रेशन का, टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद मैं फैमिली चोज अ गुड रेस्टोरेंट, वी विजिटेड देयर, हम वहाँ पार्टी किए, सेलिब्रेट किए। मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था तो मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, बट केक कटिंग के टाइम वीडियो लिया गया था। ये व्लॉग से हमको ये समझ आया कि लाइफ इज ऑलवेज एन एक्सीडेंट, लाइफ इज ऑलवेज अ डिजास्टर एंड नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। व्हाट मेक्स इट ब्यूटीफुल इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स इट। यस, थोड़ा इशू तो जरूर हुआ, मगर एंड वॉज रियली ब्यूटीफुल एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।